सर्विलेंस मुंबई में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले को मुंबई महानगर पालिका ने किया डिफॉल्टर घोषित किया गया। मुख्यमंत्री के बंगले का पानी का बिल है 7,44,981 रुपए का खुलासा किया आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद शेख ने। आइए जानते हैं। आमतौर पर ऐसे डिफॉल्टर लिस्ट में जिसका नाम आता है या डिफॉल्टर जिसे घोषित किया जाता है, किस तरह की एक्शन ली जाती है और इस केस में किस तरह की एक्शन ली गई है? देखिए, जो डिफॉल्टर वर्ड यूज हुआ कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से हुआ है। डिफॉल्टर होने के बाद उसका उस तरह से पूरा अकाउंट सीज कर दिया जाता है, ना तो उसको लोन मिलता है, ना मतलब आगे का व्यवहार पूरी तरह से बंद किया जाता है, कोई सर्विस या फैसिलिटी नहीं दी जाती उस केस से रिलेटेड। तो महानगर पालिका ने डिफॉल्टर लिस्ट में नाम तो डाल दिया, लेकिन इनको बाकायदा पानी दिया जा रहा है और पानी देने के बावजूद सिर्फ आपने डिफॉल्टर में डाल दिया। आप मुंबई कर होता तो अब तक पानी का बिल कट कर देते, लेकिन महानगर पालिका की मजबूरी में करे तो क्या करे, क्योंकि राज्य के मुखिया का सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर है परदेसी, वो हिम्मत कर सकेंगे मंत्रियों का और मुख्यमंत्री के पानी का कनेक्शन काटने का। लेकिन मुख्यमंत्री को स्वयं चाहिए कि इस पर संज्ञान ले, क्योंकि राज्य के मुखिया है, तो जो भी पानी का बिल बकाया है तुरंत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आदेश दे कि तुरंत का तुरंत बकाया भरा जाना चाहिए और पानी की जो बर्बादी हो रही है हर महीने 60,000 से 70,000 का, तो उसके लिए भी सीएम को आदेश देना चाहिए कि पानी की बर्बादी रोका जाए उनके, खास करके उनके बगले में। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा बकाया है चंद्रशेखर बावनकुले ऊर्जा मंत्री हैं, इनके बंगले पे 6,14,000 बकाया है, जो कि सीएम के बाद दूसरे नंबर पे बकाया में इनके आता है। डॉक्टर दीपक सावंत हैं जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके बंगले पे 1,55,000 बकाया है। उसी तरह से राम कुमार बाडुले सामाजिक व न्याय मंत्री हैं, इनके बंगले पे भी 1,06,000 बकाया है। महादेव जानकर, इनके बंगले पे कुल 4 कनेक्शन है, 1,73,000 से ज़्यादा बकाया है। एकनाथ खड़से जो कि पहले से सुर्खियों में, उनके बंगले पे ऐसे कई डिफॉल्टर घोषित हुए, काफ़ी बकाया है, उनके भी बंगले पे 2,18,000 बकाया है। जो मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी हैं तोरना, जिस बंगले में रहते हैं, उस पर भी 11,000 का बकाया है। यहाँ तक कि जो विधानसभा के सभापति हैं राम राजा लिम्बालकर, उनके भी बंगले पे 29,000 का बकाया है और सैद्री गेस्ट हाउस जो है उसके ऊपर 12,00,000 का बकाया है। तो जब मंत्रियों के बंगलों के ऊपर लाखों रुपए का बकाया है, महानगर पालिका डिफॉल्टर घोषित करने के बावजूद भी उनका पानी का कनेक्शन कट नहीं करती है, जबकि आम मुंबई कर होता जैसे डिफॉल्टर घोषित होता उससे पहले ही पानी का कनेक्शन काट दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के ऊपर महानगर पालिका मेहरबान है। और दूसरी बात है जो इसके अंदर निकल के आई है कि महाराष्ट्र सूखा घोषित किया गया, उसके बावजूद भी इन मंत्रियों के घर पे, खास करके जो सीएम का बंगला है उनके बंगले पे हर महीने का 60,000 से 70,000 पानी का बिल आ रहा है, जबकि कहीं ना कहीं मंत्री तो मुख्यमंत्री बाहर रहते हैं, यहाँ तक कि वो पीने का पानी तक भी मिनरल इस्तेमाल करते हैं। तो 60,000 से 70,000 पानी का बिल आना कहीं ना कहीं पानी की बर्बादी है। अगर एक पानी बर्बादी से बचा जाना चाहिए, जो कि राज्य के मुखिया हैं। ये जो मैंने आरटीए फाइल किया था मुंबई महानगर पालिका के पास किया था कि मुंबई महानगर पालिका ने कुल कितने डिफॉल्टर घोषित किए हैं, उसके अंदर किसका किसका नाम है, और खास करके तो मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स रेलवे और पुलिस का मांगा था। तो उसके अंदर जो जानकारी है बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के बंगले के ऊपर कुल 7 कनेक्शन है, जिसका कुल 7,50,000 रुपए का बकाया है पानी का बिल का। और उसी तरह से और भी मिनिस्टर है, जैसे सुधीर मुनगंटीवार है, उनके बंगले पे 1,45,000 का बकाया है। विनोद तावड़े हैं सेवा सदन, उनका बंगला है 1,55,000 का बकाया है। प्रकाश मेहता जो गृह निर्माण मंत्री हैं, उनके बंगले पे 1,61,000 का बकाया है। पंकजा मुंडे की भी बंगले पे 35,000 का बकाया है। विष्णु सावरा जो आदिवासी मंत्री हैं, उनके बंगले पे 1,82,000 का बकाया है। गिरीश बापड़ जो अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री हैं, उनके भी बंगले पे 60,000 के आसपास बकाया है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के बंगले पे 1,05,000 से ज़्यादा का बकाया है। सुभाष देसाई उद्योग मंत्री, इनके बंगले पे 2,49,000 का बकाया है। रामदास कदम पर्यावरण मंत्री जो हैं, इनके बंगले पे 9,000 के आसपास बकाया है। वहीं जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके बंगले पे कुल 2,28,000 का बकाया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बकाया है चंद्रशेखर बावनकुले ऊर्जा मंत्री हैं, इनके बंगले पे 6,14,000 बकाया है, जो कि सीएम के बाद दूसरे नंबर पे बकाया में इनके आता है। डॉक्टर दीपक सावंत हैं जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके बंगले पे 1,55,000 बकाया है। उसी तरह से राम कुमार बाडुले सामाजिक, इस पे जो मैंने जो आरटीआई फाइल किया था, जो महानगर पालिका का वाटर डिपार्टमेंट है उनके पास फाइल किया था, 11 जून को मैंने फाइल किया था और ये जानकारी मुझे 1-2 दिन पहले ही मिली है।
सवाल तो उठता ही है क्योंकि राज्य के मुखिया है और मिनिस्टर है जो सरकारी ओहदे पे हैं, जो कानून चलाते हैं, तो उनके ऊपर विपक्ष का सवाल तो उठाना लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री अगर इतने पैसे का बकाया रखेंगे तो आम मुंबई करे आम जनता से किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि अपना टाइम पे बिल भरे, तो सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात है कि सूखा घोषित होने के बावजूद भी 60 से 70 हज़ार का पानी बर्बाद करना ये बहुत ही दुखद बात है, तो इस पर विपक्ष को एकदम मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए और तुरंत का तुरंत जो पानी है भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए।